हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रतिदिन रोज सुबह आपको 7 से 8 के बीच में उस दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 मार्च 2020। तो 24 मार्च 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च 21 मार्च 22 मार्च 23 मार्च। तो जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी है, 23 मार्च। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 मार्च 1950 से सर्वप्रथम है इसको, सर्वप्रथम 23 मार्च 1950 में लागू किया गया था। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्य उद्देश्य मौसम और जलवायु के प्रति लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है सत्यरूप सिद्धांत, ऑप्शन बी है मालवद पूर्णा, ऑप्शन सी असीम मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी है नरेंद्र जैल। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सत्यरूप सिद्धांत। यह उपलब्धि इनको 7 महाद्वीपों के जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं उन पे चढ़ाई करने के लिए मिला है। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई की है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, अमेरिका, जापान, नॉर्थ कोरिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमेरिका। इससे पहले रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बना चुके हैं। अभी हाल ही में चीन ने किया था परीक्षण डी एफ सेवनटीन हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का परीक्षण कर चुका है चाइना, जिसकी गति जो है और ध्वनि की चाल जितनी होती है उसका कितना, उससे 5 गुना अधिक है। तो कितने देश हो गए हैं? 3 हो गए हैं, चाइना है, रसिया है और अमेरिका, जिन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को लॉकडाउन करने के लिए जनता कर्फ्यू नामक आंदोलन किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, इटली, चीन, भारत। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को मालूम होगा, भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर 22 मार्च को लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया था, जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, कोरोना वायरस डिजीज 19। इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस देश से? चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब धीरे धीरे ये कई देशों में फैल चुका है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय AXA के साथ कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, DBS बैंक। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 है, DBS बैंक। DBS बैंक का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इस बैंक ने भारतीय AXA के साथ कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि अस्पताल में 10 दिनों से 30 दिनों तक भर्ती होने पर ₹5,000 प्रतिदिन की राशि दी जाएगी इस बीमा को कवर करने वाले लोगों को। इस योजना का लाभ DBS के सभी खाताधारक डिजी बैंक ऐप के माध्यम से उठा सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। ये लगा चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है और वहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? वर्तमान गवर्नर जो है वहाँ के
लालजी टंडन है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों के अंदर प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की है। तो ये जो प्रयोगशाला है ये फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की घोषणा की है कि हर राज्य की राजधानी में एक फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। कितने वर्षों के अंदर? दो वर्षों के अंदर तो हर राज्य की राजधानी में फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। नवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IGMP योजना विस्तार के लिए घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान है, राजस्थान ने यह घोषणा की है। अब IGMP का फुल फॉर्म होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये मातृत्व है, ठीक, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यह राजस्थान के 4 आदिवासी जिलों में गर्भवती महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए चलाया गया है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।